ये हमारा सबसे प्यारा बच्चा है इस क्लास में। कौन सी क्लास में है आप? मैं 6th क्लास में। अच्छा 6th क्लास में है, और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह देखेंगे कि ये 6th क्लास में पढ़ने वाले दानियाल जो हमारे दोस्त हैं, ये भी फाइबर पे अपवर्क पे फ्रीलांस काम कर रहे होंगे और पैसे कमा रहे होंगे। सर, इन जवाब के लिए बहुत सारी इंजमाम के दो स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पे मौजूद जिन्होंने नेट टाइप में कोर्स कंप्लीट किया था। कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो हमने उनको कहा था कल हम उनको सर्टिफिकेट देंगे तो आपको भी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, बट उन्होंने पर्सनली कहा कि नहीं, हमें जो है ना वो अपने टीचर के हाथ से सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले मोहम्मद फैज़ रज़ा को, फैज़ रज़ा आए सर्टिफिकेट दीजिए। और इससे पहले जो है ना वो मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे जॉब भी करते हैं, इसके बाद क्लास कंप्लीट होने के बाद जॉब के बाद यहाँ पे कोडिंग कर रहे होते हैं। माशाल्लाह उन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट भी बनाए, और सर तमाम भी बता सकते हैं कि वर्ल्ड सर जॉब कुछ सिंगल वर्ड में कुछ बताना चाहें। अच्छा, के बारे में जो है ना, मैं जितना भी इसकी तारीफ करूँगा ना, मेरा ख्याल है जितने भी स्टूडेंट आज तक मैंने पढ़ाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट जो मैंने देखा है ना, वो अभी तक वो फैज़ रज़ा है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि फैज़ रज़ा क्या मेहनत की इन्होंने ऐसी, जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। जब यहाँ पर नैपटेक का कोर्स हमारा शुरू हुआ था, तो मैं शुरू तो वो हुआ था हैदराबाद वाले ऑफिस में, फिर कोविड वगैरह आ गया उसमें वो होल्ड हो गया था। उसके बाद जब कंटिन्यू हुआ दोबारा, तो वो यहाँ पे हम शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे मेरी पहली दफ़ा फैज़ रज़ा से मुलाकात हुई। फैज़ रज़ा यहाँ रिसेप्शन पे अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, सैलानी की तरफ से तैनात हैं यहाँ पे। तो इन्होंने ना मुझसे कहा कि सर मैं आपकी क्लास में आके बैठूँ, तो मैंने कहा हाँ बैठ जाओ, मुझे तो खुशी होगी। तो ये थोड़ा सा टाइम निकाल के ना क्लास में आके बैठ जाता। अच्छा, और जो मैं स्टूडेंट्स को टास्क देता था, वो टास्क में ये यहाँ पे बैठ के जो रिसेप्शन पे इनके पास जब टाइम होता था, तो वहाँ पे बैठ के ये टास्क बनाते थे और बना के ना मुझे दिखाते थे लगे। अच्छा, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि सैलानी को मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था, तो मैंने अपना ऑफिस वगैरह भी बंद करके मैं यहीं पे थोड़ी देर बैठ जाता था। क्लास के बाद ना 2 घंटे में बैठता था यहाँ, तो ये जो है ना मेरे पास आ जाते थे और वहाँ पे सर ये मुझे समझा दें, ये मुझे बता दें। तो मैंने इसको देखा है कि रात 1 बजे तक ना यहाँ पे, हालांकि इसकी जॉब की टाइमिंग 1 बजे रात तक नहीं है, ये 1 बजे रात तक यहाँ पे बैठा हुआ होता था और वो मसले सॉल्व कर रहा होता था, व्हाट्सएप पे मुझसे हेल्प लेता था। तो बहुत इसकी कुर्बानी है। अच्छा, और इसको कहते रहता हूँ, जब हमारा वो कोर्स ख़त्म हुआ, तो जो बच्चों ने जिस तरह के टास्क बनाए थे ना, उससे ज़्यादा अच्छा इसने टास्क बनाया हुआ था। और दरमियान में ये उठ उठ के जा भी रहा था, कभी फ़ोन आ जाता था किसी का कि भाई फला मसला हो गया, ये जाके जल्दी से उसको निपटा के फिर दोबारा आ जाते थे वापस। तो मैंने पहले देखिए एक दफ़ा फेसबुक पर लाइव वीडियो की थी इनकी, वो शायद किसी ने देखी हो। तो इन्होंने बहुत मेहनत के साथ, अच्छा उसके बाद अभी चैटबॉट का भी कोर्स हो रहा था, तो उसमें भी आके बैठते हैं। तो आमतौर पर देखा ये जाता है कि जब कोई किसी जगह पे जॉब कर रहा होता है, तो आमतौर पर ये लोग कर रहे होते हैं कि बड़ी मुश्किल से जॉब की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, कहते हैं यार जान छुड़ाओ बस। लेकिन फैज़ रज़ा ने, बल्कि अभी जुनैद भाई भी आपको बताएंगे कि सैलानी को भी इन्होंने 2 से 3 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बनाकर दिए और वो प्रोडक्शन में चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी मैं नॉलेज में इजाफा करूं कि जिस सॉफ्टवेयर पे आप अटेंडेंस लगाते हैं रोज यहाँ पे आके, वो भी फैज़ रज़ा नहीं बनाया था। आप सब लोगों को जो एडमिट कार्ड दिया है, उस एडमिट कार्ड पे जो QR कोड लगा हुआ है आप लोगों के, वो भी फैज़ रज़ा ने ही बनाया था। अच्छा, और इन चीज़ों के बदले में सैलानी ने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए उनको, वो जो रिसेप्शन पे बैठते हैं उसकी जो सैलरी है उसी में ये अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। और अभी भी फैज़ रज़ा क्या बता रहे थे, तुम कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो? अटेंडेंस पोर्टल पूरा सिस्टम ना, इससे पहले जो ना अटेंडेंस हमारी ना वो स्प्रेडशीट वगैरह पे होती थी ना। अच्छा, अब ये चाह रहे हैं कि अटेंडेंस जो है एक पोर्टल के ऊपर आ जाए। अटेंडेंस पोर्टल जो ये बना रहे हैं फैज़ रज़ा, तो फैज़ रज़ा बताओ ना अटेंडेंस पोर्टल में क्या क्या है उसमें फीचर? इसमें ये कि एक्सेल की फाइल वगैरह भी अपलोड हो सकती है, जैसे कि प्रीवियस डेटा और लैट वगैरह चले जाती है। फिर ये कि कोई भी अपना कार्ड स्कैन करेगा तो उसकी इमेज वगैरह भी आ जाएगी, टोटल एब्सेंट टोटल प्रेजेंट डायरेक्ट उस पर शो हो जाएगी, और जैसे लगाया डायरेक्ट अटेंडेंस उसकी अपडेट हो जाएगी।
और आप वीकली आप मंथली जितने भी टोटल प्रेजेंट है फ्रेंड डायरेक्ट उसको आसानी से पता चल जाएगी। वेल डन यार, बहुत जबरदस्त। तो एक बार दो बार तालियों और हम बहुत 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 लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, लोग सीख रहे भी थे और वो एक कोर्स खत्म करते थे दूसरे में एडमिशन ले लेते थे, फिर इतने में दूसरा खत्म होता था पहला वाला भूल चुके होते थे और ना पहले की जॉब करते थे ना दूसरे की। अच्छा, अब मैं अहमद रजा की आपको बात बताऊँ। माशाल्लाह अहमद रजा का अभी इस कोर्स में भी इनरोल है जहाँ पे आप बैठे हैं, और ये इनका जो है तीसरा सर्टिफिकेट होगा सैलानी से, और तीनों सर्टिफिकेट की इन्होंने लेटर वगैरह भी जमा करवा के लिए। सबसे पहला कोर्स इनका था ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो आपने कंप्लीट किया फाइवर पे, उसकी जॉब्स पकड़ी आपने, पैसे कमाए और उसका सर्टिफिकेट लिया। नंबर टू कौन सा था? नंबर टू नैपटेक था जो अभी इनको मिल गया। अच्छा, और नंबर थ्री ये वाला है, ये चैटबॉट है, इसमें दो इसी में ही हो, तो ये नंबर थ्री ये वाला है नैपटेक का, आज आपके सामने मिला है, ठीक है। तो लेटर वेटर जमा किया होगा जब मिला है, और ये तीसरा कोर्स है, तो ये मेरे ख्याल अब तीन होगा, ये तीन हो चुके हैं। अच्छा, तो ये थर्ड कोर्स में इनरोल है, और अच्छी बात ये है कि तीनों की जॉब पकड़ ली इन्होंने, कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे हैं, और इनकी एज आप देख सकते हैं, अभी इन्होंने मैट्रिक किया है, इंटर में एडमिशन हुआ है, करेंगे मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक किया नहीं आपने, कौन सी क्लास में? नेट 10 में और 9 में, अभी 10 में है। तो यार इतनी छोटी उम्र में लोग देखो समझते हैं ना कि यार ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ हमने तो हमें कौन जॉब देगा, हमने ये फला चीज नहीं की तो हमें कौन जॉब देगा। भाई ये स्कूल का लड़का ना अगर फाइवर पे $200-$300 $400 अगर कमा सकता है, तो फिर जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो देखो इंसान के पास ना अल्लाह पाक ने हाथ पैर दिए और सोचने के लिए अकल दी है, बस अभी ये आपके सामने बैठे हैं। आओ बेटा सारा होगा, सब कुछ अकल दिखाओ, खड़े रहो खड़े रहो। दानियाल हमारे स्टूडेंट है, ये भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, आ जाओ भाई, ये हमारा सबसे प्यारा बच्चा है इस क्लास में। कौन सी क्लास में है आप? अच्छा, सिक्स क्लास में है, और मैं वक्तन फवक्तन फेसबुक लाइव करता रहता हूँ, मेरे पेज पे आप जाएंगे ना, इन तमाम मलिक लिखेंगे फेसबुक पे तो मेरा पेज आ जाएगा, तो उस पर वक्तन फवक्तन मैं लाइव सेशन करता रहता हूँ। इन्होंने माशाल्लाह प्रोजेक्ट बना के भी दिखाए हैं, जो क्लास में टास्क मिलता है वही कर भी रहे हैं, और ये वेब एंड मोबाइल की क्लासेस में ये इनरोल है, और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह देखेंगे कि ये सिक्स क्लास में पढ़ने वाले दानियाल जो हमारे दोस्त हैं ये भी फाइवर पे अपवर्क पे फ्रीलांस काम कर रहे होंगे और पैसे कमा रहे होंगे। तो हम सैलानी का जो मोटिव है इस क्लास में, इवन मेरा भी जो आने का मोटिव है वो यही है कि अगर माशरे में कुछ सुधार लाया जा सकता है तो वो लोगों को एजुकेट करके, लोगों को एम्पावर करके लाया जा सकता है, तो हम एम्पावरमेंट का पूरा काम अपनी तरफ से कर रहे हैं।
ठीक है, और हम वक्तन फवक्तन उसमें बेहतरी लाने की भी कोशिश करते हैं। अब इसका जो अगला स्टेप है ना, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से अवेल करें जो सैलानी पढ़ा रहा है, और इसको मार्केट में जाके आप अप्लाई करें, उससे खुद भी पैसे कमाएं, सैलानी का जाहिर है नाम रोशन होगा, और इंशाल्लाह कल को बाहर जाएंगे गोरों के साथ। फ्रीलांसिंग तो क्योंकि गोरों के साथ ही होती है ज़्यादातर, ठीक है ना, बाहर का काम बहुत है क्योंकि अमरीका में महंगा पड़ता है, वो काम यहाँ से करवा लेते हैं, तो पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा। आप अगर उससे अच्छे तरीके से कमिटमेंट उसकी पूरी करेंगे, अच्छी तरह से डिलीवर करेंगे सॉफ्टवेयर बना के, पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन होगा। और अल्टीमेटली आप मुसलमान हैं तो कभी ना कभी उसको उसको फील आएगा, अच्छा है कि मुसलमान है, इससे मैंने ये काम करवाया है, तो आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस अगर उसका रहा तो अल्टीमेटली मुसलमानों का भी बड़ा नाम रोशन होगा। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।